आज हम आए हुए सलंबा रासपुर रोड पे जैन मंदिर है, काफी फेमस जैन मंदिर है। आज हम जैन मंदिर घूमने आए हुए हैं और ये जैन मंदिर आसपुर सलंबा रोड पर स्थित है। ये प्रवेश द्वार है, बाबा है यहाँ काम करते हैं। आज हम आए हुए सलंबा रासपुर रोड पर जैन मंदिर है, काफ़ी फेमस जैन मंदिर है और आपको अंदर ले चलते हैं मंदिर। ये प्रतिमा देखिए जैन मंदिर की, और ये तीन प्रतिमाएं हैं यहाँ। ये आवाज़ भी यहाँ गूंज रही है। ये कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, आप देख सकते हैं। मंदिर के हम अंदर प्रवेश कर दीजिए। अंदर का दृश्य है जैन मंदिर का निर्माण, बहुत भव्य मंदिर है, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। और ये बाहर से दृश्य, और यहाँ कुछ है, ये मंदिर का बाहर का नजारा है। ऊपर ये बुद्ध भगवान का है। हर जगह जाने के लिए हर स्तंभ पे एक सीढ़ी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। और ये हम ऊपर में हैं, ऊपर जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। ऊपर ये स्तंभ लगे हुए हैं मूर्ति के ऊपर, ये देख सकते हैं मंदिर के बारे में। अभी नहीं था ना केंद्र, हाँ मोर त्रिमूर्ति स्थापिका सुप्रकाशमती माता जी। ये यहाँ सेवक है और काफ़ी टाइम से है यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छा जगह है। ये थे कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत है बता रहे हैं। ये चंपापुरी, ये चंपापुरी, ये जो आगे है गिरनाल है, उनके साथ हम जा रहे हैं। और ये सामने देख रहे हैं, एक मिनट आपको स्तंभ दिखाते हैं जूम करके, ये पारसनाथ, शेखर जी की रचनापुरी। ये शेखर जी की रचनापुरी, मतलब एक तरह से पूरा 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 मतलब तीर्थ स्थल यहाँ आप घूम सकते हैं। और आगे पद्म सरोवर, पद्म सरोवर हम आते एक बार ये बाबा जी के साथ आगे जाएंगे, एक एक करके वीडियो में बताते रहेंगे आपको। आइए, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वाइट मार्बल से बना हुआ है पूरा, ये काफ़ी बीच में महाराज का है। ये चारों तरफ से आपको मैं दिखाऊंगा, हर जगह ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। जितने भी महाराज है सन्यासी है सबका यहाँ लगा हुआ है, ऊपर बौद्ध भगवान का। ये मानक थम तीर्थम, क्या मानक थम, ये मानक थम बाबा जी बता रहे हैं, मानक थम है। और ये हम आगे बढ़ते हैं सीधे, ये मेन गेट हो चुका है। अगर आपको यहाँ आना है तो आप सलंबर और उदयपुर रोड पे, उदयपुर रोड यहाँ से सलंबर 10 किलोमीटर, ये सलंबर से 10 किलोमीटर पहले आप आएंगे तो ये ऑन द रोड पे स्थित है, आप धौलागिरी वाले रास्ते पे। यहाँ सारे स्तंभ बने हुए अलग अलग दर्शन, जो आप हर जगह घूमने से यहाँ एक जगह आएंगे तो हर चीज़ स्थापित मिल जाएगी। क्यों बनाया गया है, मतलब ये मतलब बनाने का उद्देश्य क्या है इनका? ये तीर्थस्थान है, तीर्थ स्थान है, ये तीर्थ स्थान बोला जाता है, जहाँ हर जगह का दर्शन यहाँ हो सकता है। एक बार आप कर ले लेते, ये तीर्थ स्थान है बाबा जी बता रहे हैं। बताइए एक एक करके क्या क्या क्या, पूरी संत भगवान की मूर्ति है, पारसनाथ भगवान मूर्ति है, गिरनार पे मूर्ति है, और पद्म सरोवर में मूर्ति है, और संध्या प्रभु भगवान की मूर्ति है, और पारसनाथ टोंक में मूर्ति है, और नीचे पद्मावती देवी जी की मूर्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं हर जगह अलग अलग सीढ़ी ब्लॉक नंबर है, देख रहे हैं ये काफी अच्छा बना हुआ है। यह स्थापित कौन है, इनके स्थापित गंगर टोक, ये गग्गर टोक बोला जाता है। और ये भी काफी अच्छा, ऊपर देख सकते हैं सिल्वर कलर का चमक रहा है, चमकता हुआ। यहाँ जाने के लिए ऊपर आप सीढ़ी से, लेकिन ये दूसरा नंबर है ज्ञानगर को कुंतीनाथ भगवान। और
ये पद्मावती देवी जी माता जो है, ये पूरा जो एरिया बना हुआ है मंदिर है, इन्होंने बनवाया था और काफ़ी प्यारा ये इनका मंदिर बना हुआ है। ऊपर भी ये देखिए काफ़ी अच्छा सिल्वर चमकता हुआ है। हम जा रहे हैं पद्मावती माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए। और ये माता जी है, इनको मंदिर है जो पूरा भवन जो निर्माण हुआ इनके द्वारा हुआ है। और ये माता जी के मंदिर में आ गए दर्शन के लिए। ये गार्डन का है दृश्य काफ़ी अच्छा, मतलब मैं राजस्थान और ये वागड़ क्षेत्र में सबसे अच्छा मुझे मंदिर लगा। और काफ़ी ये है, ये बोर्ड देखिए आपको, ये सुप्रकाशमती माता जी के प्रेरणा सहयोग से ये है ना। जोरदार और काफ़ी अच्छा दृश्य है, हर जगह लाइटें लग रही है। ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारा मंदिर है, मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। और ऐसा लगता है यहाँ मन आके एकदम शांत हो गया हो, बिल्कुल प्यारा मंदिर। और देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी खूबसूरत मंदिर, ये बाहरी नज़ारा है। आसपुर सलम्बर है, धौलागढ़ रोड का है, इधर से भी आउंदो रोड से दो इसमें गेट है। ये गिरिनाल पर्वत का बोर्ड है, आप देख सकते हैं।